नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है सीवीटी पाठशाला में। मैं मानस मिश्रा आप सभी के बीच निराला बैच के साथ उपस्थित हूँ। पिछले वीडियोस में हम सभी ने देखा था कि किस प्रकार पृथ्वीराज दास हो, बिसल देव रास हो या फिर विद्यापति और अमीर खुसरो हमारे साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। अमूमन हर वर्ष प्रतिवर्ष पूछे जाने वाले प्रश्न जो है, हमने कोशिश की है कि आज वो सारे प्रश्न जो पूछे जाने वाले हैं उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और आने वाले दिनों में एक टेस्ट सीरीज भी चलवाई जाएगी, मंथली टेस्ट सीरीज, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग कोर्स ज्वाइन किए हुए, निराला बैच ज्वाइन किए हुए, उनके लिए ये जो टेस्ट सीरीज होगी वो फ्री होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी जो लोग कोर्स के नहीं है, जिनके पास अदर जो बैच रहेगा उसमें भी यदि आप इनरोल्ड है तब भी ये टेस्ट सीरीज जो है फ्री रहेगी। तो आज हम बात कर लेते हैं कि कुछ कुछ प्रश्नों की, जिसमें शुक्ल जी से संबंधित कुछ प्रश्न स्थापनाएं हैं। पहला जो प्रश्न है आप सभी के सामने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय क्या मानते हैं? संवत 1050, संवत 1050 से 1375 ईस्वी संवत, या फिर विक्रमी संवत 1050 से 1380, 1050 से 1385 या फिर 1050 से 1390। आप लोग ध्यान दीजिए, विकल्पों में संवत है, विक्रमी संवत का जिक्र किया गया है और हमने आपको बताया था विक्रमी संवत से ईस्वी में कैसे बदलते हैं। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय क्या मानते हैं? तो हम सभी ने पढ़ा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा है और ये कब आया था, 1929 ईस्वी में आ चुका था, हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में, किसके रूप में, हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में, साहित्य की भूमिका के रूप में, ठीक है, ये ग्रंथ आ चुका था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, संवत 1050 से 1375 ईस्वी में। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, भक्ति काल के बाद रीति काल आता है, तो सॉरी हाँ भक्ति काल के बाद रीति काल, लेकिन हमको आदिकाल का समय है, भक्ति काल का समय क्या माना है, भक्ति काल, तो 1375 से 1700। फिर रीतिकाल आता है, रीतिकाल का समय क्या है, 1700 से 1900 विक्रमी संवत। देखिए ये सारे सभी के सभी क्या है, विक्रमी संवत के हैं। और फिर 1900 से आज तक तो आधुनिक काल क्या है, आधुनिक काल, ओके ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, 1050 से 1375 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है, अभिनव जयदेव वो नहीं है, तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है या अभिनव जयदेव की उपाधि किसे प्राप्त है, आप लोगों को बताना है। विकल्प इस प्रकार है, चंद्रवरदाई को, पुष्यदंत को, विद्यापति को या जगनिक को। ये नेट में भी प्रश्न पूछा गया है 2006 में और यह बीएचयू 2017 के पेपर का प्रश्न है ये, कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा गया है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव जो है कहा गया है किसको, विद्यापति को। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा गया है, क्या कहा गया है, मैथिल कोकिल भी कहा गया है, कोकिल क्यों कहा गया है, क्योंकि विद्यापति की एक रचना है पदावली, ठीक है, कौन सी रचना है, पदावली, उसी के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है। अभिनव जयदेव ने, उनके राजा जो थे उन्होंने दी है अभिनव जयदेव की उपाधि। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। पहला विकल्प है बौद्ध, सिद्ध, रासक परंपरा के कवि, संत कवि या फिर जैन कवि। ये भी नेट जून 2006-2007 में प्रश्न पूछा गया है कि किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा, हम बार बार बोल रहे हैं संधा भाषा कहा गया है। तो यहां विकल्प आपके सामने है, देखिए, बौद्ध, सिद्ध, रासक परंपरा के कवि, संत कवि या जैन मुनि। तो संधा भाषा, जैसा कि विश्वनाथ जो त्रिपाठी है उनका, उनकी किताब है, पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास,
उसमें भी सिद्ध साहित्य के बारे में आप लोगों को देखने को पढ़ने को मिलेगा। इसके साथ ही जो नगेंद्र की किताब है, पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका उन्होंने संपादन किया है। क्या क्या है, नगेंद्र ने संपादन किया है, पुस्तक लिखी नहीं है, नगेंद्र ने क्या किया है, संपादन, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, का इतिहास नाम से संपादन किया है उन्होंने, लिखी नहीं है पुस्तक, जबकि शुक्ल जी ने लिखा पुस्तक को लिखा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बौद्ध सिद्ध। बौद्ध सिद्ध से तात्पर्य है कि बौद्ध यान की एक शाखा थी महायान, ठीक है, उसी से जो वज्रयान शाखा थी, वज्रयान शाखा से सिद्धों जो सिद्ध थे वो लोग आए और सिद्धों ने अपने जो भाषा थी उनकी संधा भाषा उसका प्रयोग किया। तो उसके प्रमुख जो है वो सिद्ध बौद्ध सिद्ध है। राशक परंपरा संत मुनि, संत मुनियों की तो जो भाषा थी जो हम भक्तिकाल पढ़ाएंगे, तो संत मुनियों ने अधिकांशतः देखा जाए कि ब्रज ब्रज के भी मिलते हैं पुट, और सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है, पंजाबी है, मिक्स है उसमें। जैन मुनि, तो जैन मुनि ने जितने भी जैन मुनि हुए हैं तो उन्होंने अवहट्ट या अपभ्रंश या प्राकृत भाषाओं का प्रयोग किया है। आगे हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न है बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, यूजीसी नेट की परीक्षाओं में, तो ऐसे प्रश्नों पर आपको ध्यान देना होता है कि असंगत और संगत, ठीक है। तो आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे कि कौन से विकल्प में उत्तर थोड़ा सा हमको अलग लग रहा है। तो पहला विकल्प देखते हैं, पुष्यदंत है, इस प्रकार इस तरफ सूची एक है, इधर सूची दो है, ठीक है। यहाँ प्रथम कवि है, ये प्रस्तोता है, ठीक है, प्रस्तोता, किन्होंने किसको क्या कहा। तो पुष्यदंत, शिवसिंह सेंगर, शालीभद्र सूरी, रमाशंकर शुक्ल रसाल, स्वयंभू रामकुमार वर्मा और अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप लोगों को बता रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, जल्दी से बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं ए सी, नहीं 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 नहीं, सही विकल्प बताइए इसका क्या होगा। सही विकल्प जो होगा वो ये होगा, बी। बोलिए क्यों, क्योंकि पुष्यदंत को प्रथम कवि किसने माना है, प्रथम कवि पुष्यदंत को किसने माना है, शिवसिंह सेंगर ने। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, शिवसिंह सरोज, पुस्तक का नाम क्या है, शिवसिंह सरोज, ठीक है। स्वयंभू के स्वयंभू है, स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने माना है, रामकुमार वर्मा जी की जो पुस्तक है वह है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, क्या है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है। तीसरे हैं अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि माना है, और इनकी जो पुस्तक है मुख्यतः हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, ठीक है। अब देखिए शालीभद्र सूरी है, शालीभद्र सूरी को रमाशंकर शुक्ल रसाल ने नहीं माना है, अर्थात यही जो विकल्प होगा हमारा सही हो जाएगा कि कौन सा युग्म असंगत है। तो शालीभद्र सूरी को किसने माना है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने नहीं माना है, तो किसने माना है, तो माना है इसे गणपति चंद्र गुप्त ने, गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त की जो पुस्तक थी वो उसका नाम है हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, कौन सा इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है। तो ये पुस्तक हो गई हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, और गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना है, शालीभद्र सूरी को। इस प्रकार के प्रश्न जब आपसे पूछे जाएंगे तो ऐसे प्रश्नों से आप एकदम रूबरू रहिए और तैयारी करते रहिए सीयूटी बैच के साथ। रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के अंतर्गत इनमें से किसे योगिनी के रूप में उल्लिखित नहीं किया है, उल्लिखित नहीं किया है, आप सभी लोग जानते हैं उल्लिखित किया है, उल्लिखित में अंदाला भी आती है, अंदाला, ठीक है, लेकिन नहीं किया है। तो कपालपा, मणिभद्रा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा,
देखिए, जब हम पढ़ा रहे थे हिंदी साहित्य के आदिकाल, तो आदिकाल में हमने जो सिद्धों के नाम बताए थे, सिद्धों में जो चार ऐसी योगिनियां थी, महायोगिनी थी, जिनके हमने नाम बताए थे, और उन्हीं में से चार में से कौन नहीं है यहाँ पर, तो आप लोगों को बताना है कि कपालिपा, मणिभद्रा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा, निम्नलिखित में से कौन नहीं है। नहीं, कनकलापा है, कनकलापा है, आप लोगों को बताना है जल्दी से। देखिए, कपालपा जो है, कपालपा नहीं है, कपालपा जैसे कोई जो है सिद्ध योगिनी नहीं है। मणिभद्रा है, कनकलापा है, लक्ष्मीकरा है, और जो प्रसिद्ध है लक्ष्मीकरा, लक्ष्मीकरा का नाम सर्व सर्वोत्कृष्ट आता है, लक्ष्मीकरा का नाम सबसे ऊपर आता है। अंदाला भी इन्हीं में शामिल है। तो अंदाला, मणिभद्रा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा, ऐसे चार कितनी महायोगनियों का जिक्र है, चार महायोगनियों का जिक्र है। महायोगनियां वो हुआ करती थी कि जिन्हें सिद्ध साधना में जाना होता है, तो साधना के पहले वो एक संबंध बनाती थी महिला के साथ। जो भी पुरुषों को जाना होता था, या पुरुषों को सिद्ध संप्रदाय में जाना होता था या बौद्ध संप्रदाय में जाना होता था, तो उसके पहले एक साधना पद्धति होती थी जिसके द्वारा पुरुष महिला के साथ एक संबंध स्थापित करते थे, और इसके बाद वो सिद्ध हुआ करते थे। तो जिनके साथ संबंध स्थापित करते थे उनको महायोगिनी का दर्जा प्राप्त हो गया, अर्थात वो महायोगिनियां हैं जिनके द्वारा महायोगी बन रहे हैं। तो ये जो चार महायोगिनियों का जिक्र है हमारे हिंदी साहित्य में और सिद्ध साहित्य में खासतौर से, तो ये नहीं है। अगला प्रश्न है कि कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, अवहट, मैथिली, अपभ्रंश या ब्रज, जल्दी से बताइए कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, अवहट, मैथिली, अपभ्रंश या ब्रज। तो जो कीर्तिलता है, पहले तो ये जान लीजिए किसकी रचना है, ये किसकी है, विद्यापति, विद्यापति की रचना है, ठीक है। कीर्तिलता को किस का अध्यायीकरण किस रूप में हुआ है, अध्यायीकरण किस नाम से हुआ है, तो इसमें पल्लव नाम से हुआ है, ठीक है, इसमें पल्लव है, प्रथम पल्लव, द्वितीय पल्लव, इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें किसका वर्णन है कीर्तिलता में, राजा कीर्ति सिंह, नाम से ही लग रहा है, राजा कीर्ति सिंह, ठीक है, ओके। इतनी सारी जानकारियां दे दी हैं, लेकिन आप इस भाषा का नाम बताइए कौन सी भाषा होगी। मैथिली बिल्कुल भी नहीं होगी, जान लीजिए, विद्यापति भले मैथिली कुकुल कहे जाते हैं लेकिन इसके लिए नहीं कहे जाते, वो विद्यापति पदावली के लिए कहे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा अवहट्ट है, ठीक है, अवहट्ट है। तौ तैसन जब भई अवहट्टा, देसिल बैना सबजन मिट्टा, तौ तैसन जपो अवहट्टा। देसी भाषा सबको अच्छी लगती है, लेकिन अवहट्ट जो है उसमें प्रिय भाषा है, प्रचलित भाषा है, तो अवहट्ट में कीर्तिलता की रचना की गई है। अगला प्रश्न जो है वह है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है, विद्यापति कर चुके हैं, लेकिन इस जो विकल्प दिए गए हैं इनमें किसने की है, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन और मंझन, विकल्प आपके सामने है। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है, आदिकाल में, तो देखिए मंझन और कुतुबन ये लोग किस काल के हैं, भक्ति काल के, ठीक, तो ये हट गए, ये हट गए, ठीक है। अमीर खुसरो और अब्दुल रहमान बचे, आदिकाल के हैं दोनों। अमीर खुसरो हिंदुस्तानी और मुख्यतः फारसी के कवि थे, मुख्यतः किसके थे, फारसी के कवि थे, ठीक है, तो ये भी हट गए। बचा कौन, अब्दुल रहमान, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक, क्या है, संदेश रासक, याद कर लीजिए, संदेश रासक रचना है अब्दुल रहमान की, ठीक है, और आदिकाल में। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालानुक्रम सही अनुक्रम क्या होगा,
सही अनुक्रम की बात की गई है। ये आप तभी संभव हो पाएगा जब आपको सारी पुस्तकों के नाम या फिर थोड़ा सा यदि आप अंदाजा भी लगाएं कि एक साहित्य इतिहास लेखन की जो श्रृंखला है किस प्रकार से चली है। पहले हम गार्सा तासी से शुरू करते हैं और फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और वर्तमान में विश्वनाथ त्रिपाठी और नामवर सिंह तक हम इस परंपरा को लेकर आते हैं। तो निम्नलिखित में से जो विकल्प है उन्हीं में आपको देखना है, तो राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, रामस्वरूप चतुर्वेदी, तो किन्होंने कौन कौन सी किताब पहले लिखी आप लोगों को बताना है। तो ये चार विकल्प है, चार विकल्पों को पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से फिर बताइए। तो इसमें जो सही विकल्प है वो ये है मिश्र बंधु, क्योंकि मिश्र बंधु का इतिहास हम देखते हैं कब आ जाता है हमारे सामने 1913 में मिश्र बंधु विनोद के नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1929 में आ जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से। राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास है 1938 में आ जाता है, ठीक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास है हिंदी साहित्य का स्वरूप, तो ये आता है 1986 में, ठीक है। तो एक प्रकार से हमने देखा है 1913, 1929, 1938 और 1986, ठीक है। तो अब हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अभी हमने इस पुस्तक का जिक्र किया था कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, एक बार फिर से देख लीजिए हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम जान रहे हैं सभी लोग सोच रहे हैं रामचंद्र शुक्ल है। देखिए रामचंद्र शुक्ल ने पुस्तक लिखी लेकिन हिंदी साहित्य की भूमिका एक शीर्षक के नाम से लिखी। उसने बोला है कि पुस्तक के लेखक कौन है, तो पुस्तक के रूप में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को लिखेंगे। इनकी ये पुस्तक जो है 1940 में आ जाती है, 1940 में आ जाती है, ठीक है। तो 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक आ जाती है हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से। इसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव विकास पुस्तक आती है। आल्हा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में या फिर बसंत ऋतु में। इसका एक और प्रश्न बनता है कि आल्हा किस रासो काव्य का है, किस रासो काव्य का है आल्हा, ठीक है। और आल्हा किस क्षेत्र से है, किस क्षेत्र से, इसका क्षेत्र कौन सा है, कहाँ पे गाया जाता है और किस ऋतु में गाया जाता है। देखिए आल्हा जो है ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत, वर्षा या वसंत पे नहीं गाया जाता है, ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब? वर्षा ऋतु में, जब वर्षा ऋतु होती है तब गाया जाता है। इसका क्षेत्र कौन सा है, ये बुंदेलखंड, जहां से हम है बुंदेलखंड, मुख्यतः महोबा, ठीक है। महोबा मेरे मामा का घर है तो जाते हैं, तो वहां अलहित, आल्हा गाने वालों क्या बोलते हैं, अलहित बोलते हैं, अलहित, ठीक है। आजकल तो विराट कोहली का भी आल्हा बन गया है। आल्हा एक प्रकार से शैली है आल्हा, देखिए, ठीक है। क्योंकि आल्हा उदल की कथा जिस शैली में गाई जाती है तो वो एक गेय पद्धति है, तो वो शैली के रूप में निखर कर सामने आई, ठीक। जब भी कोई पद्धति एक ज्यादा मुखर रूप से बन जाती है, आगे तक चली जाती है, तो वो शैली बन जाती है कोई भी पद्धति। रासो काव्य, ये किस रासो काव्य में है, तो ये परमाल रासो है, परमाल रासो, परमाल रासो। अब परमाल रासो किसका है, तो परमाल रासो किसका है, ये जगनिक का है, जगनिक किसका है, परमाल रासो जगनिक की रचना है परमाल रासो। और क्षेत्र कौन सा है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, महोबा का है, और वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और इसमें किसकी कहानी का जिक्र है, तो आल्हा उदल की, आल्हा उदल दो वीर योद्धा थे, ठीक है। तो उसकी एक कहानी है, एक बुंदेलखंड की कहानी भी कह सकते हैं इसमें। अगला जो प्रश्न है वह बिसल देव रासो के रचयिता कौन थे, बिसल देव रासो के रचयिता कौन थे, जगनेक, चंद्रबरदाई, नृपतिनाल या सारंगधर। देखिए इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाने हैं आपकी परीक्षा में, तो बिल्कुल भी इन प्रश्नों को हल्के मत लीजिए। कई बार होता है कि बहुत गूढ़ जो प्रश्न होते हैं उनके बीच में एक सरल प्रश्न लगा देते हैं, तो फिर आप लगाते रहते हैं दिमाग,
इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो आप इस चक्कर में सरल प्रश्न जो होते हैं वो आप गलत कर देते हैं। बिसल देव रासो के रचयिता कौन से हैं? जगनिक है, चंद्रवराई है, नरपति नाल है या सारंगधर है? तो इसके जो सही विकल्प है वो है नरपति नाल। नरपति नाल की रचना है बिसल देव रासो, परमाल रासो जगनिक का है और चंद्रवरदाई का क्या है? पृथ्वीराज रासो। अगला जो प्रश्न है वह है स्त्वार दिलालित्य और एंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की? स्त्वार दिलालित्य और एंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की? विकल्प है कीथ ने, ग्रियर्सन ने, गाशदा तासी ने या गिलक्राइस्ट ने। चार विकल्प है, ग्रियर्सन, गाशदा तासी, गिलक्राइस्ट या ग्रियर्सन ने। तो किसने की? स्त्वार दिलालित्य, स्त्वार दिलालित्य। फ्रेंच विद्वान लग रहे हैं कोई, तो फ्रेंच से कौन है? फ्रांस से। तो द स्त्वार दिलालित्य और गार्सदा तासी, तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? सही, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। ग्रियर्सन की किताब है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये इन्होंने एक भाषा सर्वेक्षण की किताब है, या फिर हिंदी में कहें भाषा सर्वेक्षण की पुस्तक है। भाषा का अग्रेशन ने सर्वेक्षण किया और पाया कि भारत में भाषाई विविधता इतनी ज्यादा है कि पहाड़ के एक तरफ दूसरी बोली है, पहाड़ की दूसरी तरफ दूसरी बोली है। क्या पता अब वो डिवीजन जब करने आ रहे हैं तो ग्रियर्सन के भाषा विभाजन में हमेशा नदियां और पहाड़ ही आए हैं, ठीक है। एक कहावत है कि कोस कोस पर, चार कोस पे पानी बदले, कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पे पानी। तो उसी प्रकार ग्रियर्सन ने इसको वास्तव में अनुभूत किया उस चीज को। आदिकालीन काव्य रचनाओं के संबंध में असंगत विकल्प कौन सा है? कौन सा असंगत विकल्प कौन सा है? देखिए, हेमचंद के प्राकृत प्रांगलम में अपभ्रंश के दोहे संकलित हैं। दोहा पद्दड़िया गेयपद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद है। उपदेश रसायन रास 80 पदों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब देखिए, ये इस प्रकार से विकल्प जब पूछे जाते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। एक बार फिर से पढ़िए, हेमचंद के प्राकृत पैंगलम में अभ्रंश के दोहे संकलित हैं। दोहा पद्दड़िया गे पद अपभ्रंश काल के प्रमुख छंद है। उपदेश रसायन रास 80 पदों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है या प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यदि सामान्य तौर पर यदि हम पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ने पर ही हमको पहला ही विकल्प लग जाता है कि हेमचंद के प्राकृत पैंगलम, प्राकृत पैंगलम है तो अपभ्रंश में कैसे हो सकता है? यदि थोड़ा सा भी आप दिमाग लाएंगे, प्राकृत पैंगलम है तो अभ्रंश में कैसे हो सकता है, ये तो प्राकृत का ग्रंथ होना चाहिए, ठीक। तो यही विकल्प जो है गलत हो जाता है। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी थी? कितना आयुष प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी थी? 10, 8, 9, 7। बहुत सामान्य सा प्रश्न है जो कि पूछा जा सकता है कि जो नाथों की संख्या कितनी मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो नाथ है, हम सभी लोगों ने पढ़ा है, 9 नाथ है। कितने? 9, ऐसे भी लिख के आ सकता है परीक्षा में, 9 नाथ है। आगे है, नगर बाहरे डोम्बे तोहरी कुड़िया छई, छोई जाए सो बाह नड़िया, ठीक है। तो ये किसका है? सरहपा, कन्हापा, डोम्बीपा या लुईपा, आपको बताना है किसका है ये। कि नगर बाहरे डोम्बे तोहरी कुड़िया छई, छोई जाए सो बाह नड़िया। अब सभी लोग सोचेंगे कि भाई डोम्बी आया है तो डोम्बीपा को लगा देते हैं, ठीक, तो सही हो जाएगा हमारा, या फिर लुईपा को लगा देते हैं, लुईपा बहुत ज्यादा विद्वान है, सबसे ऊंचे है इसलिए सही हो जाएगा, या फिर सरहापा को लगा देते हैं क्योंकि सरहापा तो पहले है शायद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कन्हापा का है। किसका है ये? कन्हापा का है। बाकी सारे विकल्प गलत हो जाएंगे, ठीक है, बाकी सारे विकल्प क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, ये कन्हापा का कथन है। अगला जो प्रश्न है वह है, गोरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मैं इसलिए कह रहा हूं
हम लगभग सीयूईटी के जितने भी प्रश्न पत्र उठाए, जितने प्रश्न पत्र देखे, अधिकांशतः सीयूईटी न केवल जितने भी राज्य जो नेट की परीक्षाएं हैं, जो कि राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं या फिर प्रदेश स्तरीय परीक्षाएं हैं, मतलब राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं, सभी में यह प्रश्न अमूमन पूछा गया है कि गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भी चहु देश, चल खुसरो घर आपने, किसका कथन है, इसका संदर्भ किसके लिए है? तो देखते हैं कि अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर, संपत्ति के लूटे जाने पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, या अपनी प्रेमिका पर, अपनी प्रेमिका द्वारा त्रस्त होने पर। तो किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया है हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। किसके लिए? हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने यह जो है छंद कहा था। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी जानकारी या कौन सी बातें सही हैं, कौन सी बातें सही हैं। इस प्रकार के प्रश्न है, जब आप सीयूईटी पूछेगा तब घबराइए नहीं, क्योंकि जो भी विकल्प है आपके सामने सामने वो सारी चीज रहेंगी। पहला है कि वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इनमें उक्ति वैचित्र का नितांत अभाव था। इनकी पहेलियां और मुकरियां जो है प्रसिद्ध हैं। अमूमन प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं? प्रश्नों को यदि हम ध्यान से देखें तो शुक्ल जी के अकॉर्डिंग कौन कौन से जो है कथन सही है, उनके लिए कहा गया है यहाँ 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 1, 3, 4। देखिये, शुक्ल जी ने जो कहा है उनके लिए, तो मुख्यतः शुक्ल जी कहते हैं कि फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे और वो अपने समय के नामी कवि है, ये कथन सही हो गया। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, यह भी सही हो गया। इनमें उक्ति वैचित्र का नितांत अभाव था। कह रहे हैं कि उक्ति वैचित्र का नितांत अभाव था, बिल्कुल नहीं था अभाव। उक्ति वैचित्र उनकी विशेषता थी, विशेषता के तौर पर थे, तो उक्ति वैचित्र कैसा नहीं था। इनकी पहेलियां और मुकरियां जो है प्रसिद्ध है, तो यह भी कथन सही है। तो कौन सा विकल्प सही हो गया? 1, 2, 4। तो जो आज के जो प्रमुख प्रमुख प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों को हमने आज कवर किया, और जो भी प्रश्न रह गए हो आपके मन में, जो भी सवाल हो, उनको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, आपके जो अगली वीडियो आएगी उसमें उन सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। आने वाली वीडियो में हम भक्ति काल और रीति काल और फिर आधुनिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग सारे यूनिट्स को हम सोचते हैं कि लगभग जनवरी के अंत अंत तक सारी चीजें कवर हो जाए, ताकि आपकी जो परीक्षा है, आप परीक्षाओं से पहले एक महीने ठीक पहले प्रैक्टिस सेशन चलेगा, पर डे प्रैक्टिस सेशन चलेगा। इसमें आपके एक प्रश्नों को बारीकी से, एक एक कवि पर बारीकी से बातचीत की जाएगी, ताकि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी या सीयूईटी के थ्रू जो भी आपकी परीक्षा होगी, उसमें आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो सके। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक टेस्ट सीरीज हम लोग लाएंगे, जो कि पेड क्लासेस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, और जो गरीब फैमिली से हैं उनके लिए भी प्रावधान रखा गया है, उनके लिए फ्री में है। क्या फ्री में हम लोगों से जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और रही बात ऐसे विद्यार्थी जो गाँव से दूर दराज के क्षेत्रों में है, तो उनके लिए एक ऑफर है, यदि वो पे कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पे कर सकते हैं तो वो लोग हमको बताएं, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और टीम से बात करके उनको भी मुफ्त में पढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि सभी का एक सपना होता है कि वो आकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़े, जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़े, तो उनके लिए ये सब ऑफर है। आने वाले दिनों में सीयूईटी पाठशाला आपके लिए बहुत सारे जो कोर्सेस हैं, चाहे कॉमर्स के हो, इंग्लिश के हो, या इतिहास से संबंधित हो, तो सीयूईटी पीजी की तैयारी सुनिश्चित हो चुकी है। आप सभी जुड़िए, निराला व्यास से जुड़िए हिंदी की तैयारी के लिए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मानस सर के साथ। नमस्कार, हर हर महादेव।